टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आए हैं, डी के 5 नए फार्मूले। तो आज हम आपको डी के नए 5 फार्मूले कराएंगे। तो जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो हमारे डी के 5 फार्मूले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है वो है डेट फार्मूला। ये हमारा डेट फार्मूला है। नेक्स्ट हमारा डेटेड इफ फार्मूला है, और उसके बाद में डेट वैल्यू फार्मूला, उसके बाद में डी एवरेज फार्मूला, और उसके बाद में हमारा है डे फार्मूला। तो ये हमारे टोटल 5 फार्मूले हैं। पीछे हमने 20 तक फार्मूले एक्सेल के करा दिए हैं, 1 से लेके 20 तक के, जिसमें ए के और बी और सी के कंप्लीट के कराए हैं। आज हम आपको डी के फार्मूले शुरू करा रहे हैं। तो सबसे पहले 21 नंबर पे हमने डेट का फार्मूला लिया है। तो आप यहाँ डेट का फार्मूला लगाते हो, तो जैसे पहले सबसे पहले हमने इक्वल शुरू करके डेट ब्रैकेट शुरू, और आपने डे मंथ और ईयर को निकालना है। तो सबसे पहले हमने ईयर पे क्लिक करना है, तो ईयर पे क्लिक करेंगे कोमा, फिर उसके बाद में आपने मंथ पे क्लिक करना है, फिर कोमा, उसके बाद में आपने डे पे क्लिक करना है, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस। इससे आपका पहली कॉलम का जो है, पहली रो का फॉर्मूला निकल के आ गया 12/25/2022। नेक्स्ट आपने डेट इक्वल लगा के ब्रैकेट शुरू, फिर आपने ईयर पे क्लिक करना है, फिर कोमा, उसके बाद में फिर मंथ पे क्लिक करना है, फिर आपने डे पे, वो ब्रैकेट क्लोज एंटर प्राइस। ये आपका सेकंड में, इसमें 25 दिसंबर 2022 आया, उसमें ओब्लिक में आया था, इसमें आपका टेक्स्ट के अंदर भी आ गया। थर्ड इक्वल शुरू डेट ब्रैकेट शुरू, फिर आपने ईयर पे क्लिक करना है, कोमा मंथ, कोमा और डे। इसमें हमने 33 रखा है महीने का, जबकि 30 या 31 दिन। तो इसने जो, तो इसमें जनवरी का जो 2 तारीख है इसने उठा लिया है, क्योंकि हमने 33 रखा था इसलिए। तो ये हमारा डेट फार्मूला था। अब इसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला हमारा 22 नंबर का है, और डेटेड फार्मूला। इसमें हम आपको ये डेट मंथ ईयर और ईयर डेट, ईयर मंथ और डेट ये निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट डेट और सेकंड डेट का डिफरेंट निकालना है 10 साल का। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वल स्टार्ट करके आप और पहले इक्वल स्टार्ट करेंगे, डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू, और फर्स्ट डेट के कॉलम पे रो पे आप क्लिक करना है, फिर कोमा, फिर सेकंड रो पे क्लिक करना है, फिर कोमा सेकंड कॉलम में, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, और यहाँ आपने लिखना है डी इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके और ब्रैकेट बार। इसमें आपके 10 साल के जो भी डेट हैं वो डे निकल के आ जाएंगे, फिर डेज हमारे दिन निकल के आ जाएंगे 1 जनवरी से और 22 जनवरी तक। अब इसके बाद में सेकंड फार्मूला हमने मंथ निकालना है। तो इक्वल शुरू करके डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट कॉलम कोमा सेकंड कॉलम पे क्लिक करना है, फिर कोमा देना है, फिर आपने कोमा इन्वर्टेड कोमा और एम इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट बंद, आपका इसमें मंथ निकल के आ जाएंगे। अब थर्ड इसमें हमने ईयर निकालना है। तो इक्वल शुरू डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू, और फर्स्ट कॉलम पे आपने क्लिक करना है, फिर कोमा, उसके बाद में सेकंड कॉलम पे क्लिक करना है, फिर कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, और यहाँ हमने वाई रख दिया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट बंद। इसमें आपके ईयर निकल गया, आगे 10 ईयर होते हैं हमारे 10 से और 22 के बीच में। ऐसे ही आपने ईयर और डेज निकालने हैं। इक्वल शुरू डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू, उसके बाद में आपने फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है, फिर कोमा सेकंड कॉलम पे क्लिक करना है, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, और वाई और डी ईयर और डेट डेज इसमें निकालने हैं, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके बंद करना है। आपका ये ईयर और डेज निकल के आ गया। अब इसमें आपने लगाना है इक्वल शुरू करके डेटेड इफ वही फार्मूला, और आपने जो कॉलम है आपका फर्स्ट उसी पे क्लिक करना है। जैसे इसमें हमारा जो कॉलम है D22 है, कोमा E22, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू,
और आपने वाई और एम इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके बंद करना है, ब्रैकेट बंद और प्रेस एंटर। इसके बाद में लास्ट का जो आपका है मंथ और डेट का है, तो आपने इक्वल शुरू करके डेटेड इफ पे क्लिक करना है और D23, E23, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा और MD और इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट बंद। इसमें आपका लास्ट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ईयर मंथ और डेट्स का। तो ये हमारा था डेटेड इफ का फॉर्मूला जो हमने आपको लगा के दिखाया है। तो ये हमारे डिफरेंट वैल्यू के थे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट फार्मूला 23 नंबर का, डेट वैल्यू फार्मूला। तो डेट वैल्यू फार्मूला में हमने डेज पहले ऑलरेडी रखी हुई है, जैसे कि हमने इसमें 25 दिसंबर 2022 है, एक ओब्लिक के अंदर है, तो इसमें भी आपने इक्वल शुरू करके डेज वैल्यू, इसमें आपने डेट वैल्यू लिख के ब्रैकेट शुरू करना है और आपने जो भी आपने डेट लिखी उस पर क्लिक करके ब्रैकेट बंद, ये आपने सेलेक्ट किया तो आपकी डेट वैल्यू निकल के आ गई। ये 25 दिसंबर 2022 हमने एक इसमें फॉन्ट में भी लिखा है दिसंबर, इसमें हमने ओनली नंबर में और ओब्लिक में लिखे हैं, तो आपने इसमें भी डेट वैल्यू निकालने, इक्वल शुरू करके डेट वैल्यू ब्रैकेट शुरू और आपने डेट पे क्लिक करना है और ब्रैकेट बंद करना है। इसमें आपकी शो नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर ये सिर्फ ओनली नो आपके फॉन्ट वाले ही उस फॉर्मेट को उठाएगा, ना कि आपके ओब्लिक वाले फॉर्मेट को। जैसे कि इसमें 25 दिसंबर 2022 रखा है, इसमें निकल के आ जाएगी हमारी इक्वल डेट वैल्यू ब्रैकेट शुरू और डेट पे आपने क्लिक करना है और ब्रैकेट बंद, तो इसमें भी आपका डेज जो नहीं निकल के आ गया डेट वैल्यू। बट जो आपने ओब्लिक में डेट रखी है उसको ये शो नहीं करेगा, ये फॉर्मूला उसको शो करके नहीं दिखाएगा, उसमें ये एरर दिखाएगा, या तो वैल्यू दिखाएगा या फिर नेम दिखाएगा। तो इसलिए आपने जो भी डेट वैल्यू निकालनी है तो आपने उसमें दिसंबर को एक अल्फ़ाबेट में रखना है, ना कि न्यूमेरिकल में। तो ये आपका डेट वैल्यू फार्मूला था 23 नंबर का। 24 नंबर पे हमने डी एवरेज फार्मूला आपको सिखाएंगे। इसमें एक हमने टेबल बनाई है जिसमें हमने हर कंपनी के ब्रांड के बल्ब रखे हैं, उनकी यूनिट कॉस्ट रखी है, कितने घंटे वो जलते हैं। तो हमने इसमें आज आपको निकाल के दिखाएंगे भी डी एवरेज फार्मूले के अंदर। मान लीजिए हमने कोई बल्ब रखा है, उसकी ब्रांड कंपनी भी रखी है, और उसमें हमने ये शो कराना है कि भाई ये इसकी ब्रांड जो है सनबीम का रखा हमने, और उस बल्ब की जो है कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट हमने इसमें निकाल के आपको शो करानी है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने या दिखा भी दिया आपका, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ द पार्टिकल ब्रांड ऑफ बल्ब, नीचे हमने लिख दिया टाइप ऑफ द ब्रांड नेम, नीचे हम आपको फार्मूला लगा के दिखाएंगे डी एवरेज और ब्रैकेट शुरू, और पूरी टेबल को आपने सेलेक्ट करना है जो हमने पहले टेबल बनाई है। तो आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट रखना है, जब आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद में कोमा, फिर उसे पूछ रहा है भी आपने क्या इसमें शो कराना है, जैसे कि हमने इसमें ब्रांड वैल्यू, किस ब्रांड का बल्ब है और वो उसकी कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है वो निकालनी हमने। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमने अपने टेबल में जाना होगा, वहाँ हमने चेक करना होगा भी हमारे कौन से कॉलम के अंदर किस कॉलम में हमने कॉस्ट को रखा है, तो वो कॉस्ट के कॉलम को हमने सेलेक्ट करना है। तो ये हम इसको मैं यहाँ से बैकस्पेस से रेट किया, तो हमने डी एवरेज लिख के ब्रैकेट शुरू करके पूरी टेबल को सेलेक्ट किया, फिर कोमा, फिर हमने यूनिट कॉस्ट को सेलेक्ट करके और कोमा, उसके बाद में जो ब्रांड और रखा हमने और कम बल्ब का नाम, तो इनको दोनों को हमने सेलेक्ट रखना है और ब्रैकेट बंद करना है और एंटरप्राइज। इससे आपकी 1.24 वैल्यू निकल के आ गई कॉस्ट वैल्यू एवरेज जो हमने सनबीम ब्रांड की रखी है। तो ये हमारा डी एवरेज का फॉर्मूला था। इसके बाद में हम आपको ये हमारे पूरा आपका 24 फॉर्मूले हमने यहाँ निकाल दिए, जिसके डी के चार फुल क्लियर हमने करा दिए आपको। लास्ट का जो है हमारा डे का फॉर्मूला है 25 नंबर का, तो वो हम आपको क्लियर करा देते हैं। तो ये सभी अब हम डे के फार्मूले पे हम डे निकाल के दिखाएंगे। हमने पहले फुल डेट लिखी है 25 दिसंबर 1998 रख ली, 7 नवंबर 2013 रख ली, 7 नवंबर 2013, तो कोई भी हमने एनी वन कोई भी डेट यहाँ पे रख ली है। इसके बाद में आपने इक्वल शुरू करके डे
ब्रैकेट शुरू और आपने डेट पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस। इसमें आपका डेट निकल के आएगी भाई 25 तारीख हमारी। इसमें हमारी दूसरे तरीके से 7 सितंबर, सैटरडे 7 निकल के आ गया। और इसी प्रकार से इसमें आपने डेट लिख के ब्रैकेट शुरू करके आपने डेट पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करना, इसमें 7 तारीख निकल गए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हमारी डेट निकल के आ गई है। तो आज के जो हमारे फार्मूले थे वो डी के फार्मूले थे। डी के फार्मूले और भी हैं हमारे, जो नेक्स्ट आपको आगे बताएंगे। 26, 27, 28, 29, 30 5 फार्मूले आपको आगे लगा के दिखाएंगे भी डी में के फार्मूले क्या होते हैं। तो ऐसे आपको लास्ट तक हम जेड तक सारे फार्मूले कराएंगे। तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें ताकि आप लास्ट तक हमारी वीडियो देखें। हम आपको अच्छी अच्छी ट्रिक बताएंगे कैसे फार्मूले निकालते हैं, और पूरा कोर्स हम एमएस ऑफिस का भी, बेसिक का और एडीएससी का पूरा कोर्स कराएंगे। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों ने हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में कोई भी अच्छा कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारे को कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।